अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सुभाष, क्वेश्चन नंबर रहता है इसमें, अब क्वेश्चन नंबर तीन क्वेश्चन देते हैं, थ्री क्वेश्चन ओनली, क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर नाइन एंड क्वेश्चन नंबर टेन। ठीक है बेटा, बड़े आराम से बड़े अच्छे से देखो बेटा। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड एन, हमें एन की वैल्यू निकालना है। कौन सा क्वेश्चन है सुभाष, क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एट, एन निकालना है। कैसे? इफ द रेशियो ऑफ द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, पहले एक्सपेंशन देखेंगे, एक्सपेंशन ये है फोर्थ रूट ऑफ टू प्लस वन बाय फोर्थ रूट ऑफ थ्री पावर एन। ये बोल रहा है वहां से, इफ द रेशियो ऑफ द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड टू द, इफ द रेशियो ऑफ द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग टू द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एन। हमें फिफ्थ टर्म बिगनिंग से भी निकालनी है, फिफ्थ टर्म एन से भी निकालनी है, उनका जो रेशियो है वो है व्हाट, वो अंडर रूट 6 इज रेशियो 1 है। सिखाऊंगा बेटा, हमें फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग निकालनी है, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एन निकालनी है, उनका जो रेशियो होगा वो इस रेशियो में है, तो उसी से आपका एन आएगा। पहले मैं आपको बोलूंगा एक जनरल केस के लिए, जनरल पहले के लिए, अगर मेरे पास a प्लस बी पावर n होगा तो क्या मैं लिखूं इसको एम सी जीरो ए पावर एम बी जीरो प्लस एम सी वन ए पावर एम माइनस वन बी वन प्लस एम सी टू ए पावर एम एम माइनस टू बी स्क्वायर प्लस एम सी थ्री ए पावर एम माइनस थ्री बी क्यू प्लस एम सी फोर ए पावर एन माइनस फोर चबाश एन माइनस फोर बी पावर फोर प्लस डैश लास्ट टर्म क्या होगी चबाश प्लस डैश लास्ट टर्म क्या होगी एम सी एन ए पावर जीरो बी पावर एन होगी कि नहीं। इस एक्सपेंशन की बात करते हैं, अगर देखो दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड टर्म, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ, दिस इज फिफ्थ टर्म, ये T5 है, ये from the beginning T5 है, ये fifth term है from the beginning, but हमें from the end भी निकालनी है, from the end ये है ना पहली term from the end, उससे पहले क्या आएगी M C N minus one A power one B power N minus one, उससे पहले क्या होगी M C N minus two A square B N minus two plus एम सी एन माइनस थ्री ए क्यूब बी एन माइनस थ्री प्लस एम सी एन माइनस फोर ए पावर फोर बी पावर एन माइनस फोर। अब चेक करो, दिस इज फ्रॉम द एंड फर्स्ट टर्म, फ्रॉम द एंड सेकंड टर्म, फ्रॉम द एंड थर्ड टर्म, फ्रॉम द एंड फोर्थ टर्म एंड फ्रॉम द एंड फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। अब क्वेश्चन बोल रहा है इस एक्सपेंशन में जो फिफ्थ टर्म होगी और इसी एक्सपेंशन में जो लास्ट एंड से फिफ्थ टर्म होगी उनका रेशियो है इसके बराबर। मैं अब ए और ए के बदले यहां पे, क्योंकि ये टी फाइव है फ्रॉम द बिगिनिंग ये है एम सी फोर ए पावर एन माइनस फोर बी पावर फोर एंड फ्रॉम द एंड क्या है वो फ्रॉम द एंड क्या है ये फ्रॉम द बिगिनिंग यहां पे बी लिखूंगा मैं यहां पे मैं एंड लिखूंगा। इस एक्सपेंशन में फ्रॉम द बिगिनिंग टी फाइव ये है आपको ऐसा जनरल में निकालना हो
तो कैसे करोगे आप? उल्टा करना है बेटा, बस उल्टा करना। अगर आप फ्यूचर में इसका निकालोगे ना, इसका फ्यूचर में ये होगी, ये होगी ना। अब इसी को लेकर ऐसे बी प्लस ए, इसकी फ्यूचर ये डायरेक्ट होगा। चेक करना है इसका, चेक करना है। आया समझ? वेरी गुड। अब मैं क्या काम करूंगा, अब मैं क्या काम करूंगा, इस ए के बदले क्या था मेरे पास, फोर्थ रूट ऑफ टू, और बी के बदले क्या था, वन बाई फोर्थ रूट ऑफ टू, फोर पावर एन, है कि नहीं? अब मैं इस ए के बदले क्या रखूंगा वैल्यू, क्योंकि दिस इज द जनरल। अब मैंने इसमें ए की ओर ए के बदले ये लिखा, बी के बदले ये लिखा, तो इसमें भी ए के बदले क्या आएगा, फोर्थ रूट ऑफ टू फोर पावर दिस, एंड यहां पे क्या बनेगा, b पावर 4 के बदले क्या बनेगा, b के बदले क्या है अभी, चलो यहां पे क्या बनेगा, 1 by 4th root of 3 whole power 4, चेक कर लो। अब इसमें इसी में यहां पे भी n के a के बदले क्या रखोगे, 4th power of 2 whole power 4 है ना, 4, एंड यहां पे क्या बनेगा, चलो यहां पे क्या बनेगा, 1 by 4th root of 3 whole power, और बाकी आप करें ये लिखोगे ना, बी नो दैट लिखोगे, फिर रिप्लेस करोगे ए के बदले ये, बी के बदले ये, और यहां पे लिखो बी नो दैट दिस इज द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड दिस इज द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड, तो फिर ए के बदले ये होगी वैल्यू और बी के बदले ये होगी वैल्यू, तो इंसर्ट करोगे इनको। अब क्वेश्चन वहां से बोल रहा है, क्वेश्चन वहां से बोल रहा है जो इनका रेशियो है, इनका रेशियो है जवाब, जो इनका रेशियो दिस एंड दिस MC4 fourth power root of 2 power में बड़ा लिखूंगा m minus 4 1 by fourth power fourth root of 3 whole power 4 divided by ratio है ना, ratio ना MC m minus 4 सबाश fourth power of 2 whole power 4 into 1 by fourth power of 3 power m minus 4 is equal to 6 by under root of 6 by 1. ये है ना, ये है ना, दिख रहा है बेटा, ये दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा है बेटा। अच्छा इसके बदले क्या हो जाएगा, क्या हो होगा ऐसे सर, अब यहां पर लिखूंगा एक स्टेप, बड़े अच्छे से देखना, MC4 कितना होता है, MC4 कितना होता है, MC4 होता है, MC4 होता है कितना, कोई मुझे बोलेगा, शाबाश। अगर आप देखोगे दिस एंड दिस गोस कैसे, अगर आप देखो क्यों, इसकी इसकी वजह से MCR इज इक्वल टू MCN माइनस R हमेशा होता है, तो ये दोनों क्वांटिटी बराबर है, इसीलिए ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, होंगे कि नहीं, बड़े अच्छे से होंगे बेटा, ये बड़े अच्छे से होंगे। अब क्या हो गया ऐसे, अब देखिए ये कैंसिल क्यों हो जाएंगे, इट इज बिकॉज ऑफ दिस MC4 एंड MC4 बराबर होंगे MC MCM माइनस 4, ये तो ये है ना, MC4 MC4 डिवाइडेड बाय कैंसिल आउट हो जाएंगे, बेसिकली। अब इसके बाद आपने बचा क्या, 2 पावर 1 बाय 4, क्या मैं इसको लिखूं ऐसे, 2 पावर 1 बाय 4 4 पावर n minus 4 लिखूं, क्यों, मैंने पहले 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 पूछ रहा हूं, स्क्वायर रूट ऑफ a इज इक्वल टू 1 a पावर 1 बाय 2 क्यूब रूट ऑफ a इज इक्वल टू a पावर 1 बाय 3 एंड फोर्थ रूट ऑफ a इज इक्वल टू a पावर 1 बाय 4, ये मैं बोल चुका हूं पहले से, इनटू क्या है 1 बाय 3 पावर 1 बाय 4 लिखूं होल पावर 4, सही है, whole divided by whole divided by क्या भी है 2 power 1 by 4 whole power 4 यहां पे जाकर तो इस 2 power 1 by 4 whole power 4 into 1 by 3 power 4 sorry 3 power 1 by 4 1 by 4 whole power n minus 4 is equal to 6 is root 6 is 1 by 1 is root 6 is half। अच्छा एक और स्टेप रहेंगे यहां पे, अच्छा ये बनेगा 2 पावर n माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4, ये आएगा कि नहीं, चेक कर लो n माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4 आएगा कि नहीं,
ये इंटू करके एक्चुअली ये डिवाइड है, किसी के डिवाइड है यहाँ पे थ्री पावर खाली थ्री पावर होल डिवाइड अब ये क्यों, अरे ये है ना a इंटू वन बाई बी वो बढ़ेगा ना a बाई बी, समझ आ रहा है ना मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, समझ आ रहा है ये है ना ऐसे a इंटू वन बाई बी, तो मैंने लिखा a ऐसे फिर b ये बनाइए, अब है डिवाइड में टू पावर फोर कैंसल आउट हो जाएगी ये कैंसल आउट, तो टू पावर वन इंटू चौबाइस एंड ये बनेगा लास्ट में थ्री पावर एन माइनस फोर बाय फोर इज इक्वल टू रूट ऑफ सिक्स, यहां तक लिखो भी मैंने क्या किया वो सर ये तो इंटू था इसके बट ये था टू इंटू वन डिवाइड ये तो फोर वन डिवाइड है, अब ये मैं लास्ट करने जा रहा हूँ लास्ट नंबर बड़े अच्छे से लिखो बड़े अच्छे से इसके बाद क्या बनी है इसके साथ हमें एन निकालना है, तो मैंने टू एक्स को यहाँ पे लिख लिया टू पावर एन माइनस फोर इंटू ये जाएगा ऊपर टू पावर एन माइनस फोर डिवाइड बाई फोर इसका भी फोर डिवाइड ना होल डिवाइड बाई ये थ्री है सॉरी तो होल डिवाइड टू इंटू थ्री इज इक्वल टू रूट ऑफ सिक्स इनवर्स में और थ्री गया माइनस इनवर्स अच्छा ये क्या बनेगा यहाँ से फिर से बेस सेम पावर से यहाँ पे तो ये बनेगा टू पावर एन माइनस फोर बाय फोर माइनस वन इनटू थ्री पावर एन माइनस फोर डिवाइड बाय फोर ये फोर बटा मैंने में है माइनस वन इज इक्वल टू रूट ऑफ सिक्स क्या मीन्स रूट यूज में ऐसे लिखूं रूट ऑफ टू इनटू थ्री देखो बेटा क्योंकि रूट ऑफ सिक्स हमेशा होते हैं ना रूट ऑफ टू रूट ऑफ थ्री क्योंकि बोथ पॉजिटिव है इसलिए कर सकते हैं अगर नेगेटिव होते बोथ नहीं कर सकते अगर खाली एक ही पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव तब भी कर सकते हैं या ये पॉजिटिव है नेगेटिव तब भी बट अगर बोथ नेगेटिव होंगे तब भी पॉजिटिव नहीं है तब माइनस से मानना है अच्छा क्या मैं इसको आप फिर नेक्स्ट क्रम में कैसे तो पहले इसे आप लिखेंगे इक्वल्स टू टू पावर यहां पे 4 n माइनस 4 माइनस 4 डिवाइड बाय 4 3 पावर n माइनस 4 माइनस 4 अब होल्ड अभी तक ये खाली इसका डिवाइड है अब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई इसका डिवाइड वन था इसका डिवाइड वन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अब यहां पे लिख रहे हैं पावर 2 इसके बाद से लिखूं बेटा बड़े अच्छे से लिख सकता हूं क्योंकि रूट ऑफ 2 इनटू 3 हमेशा होता है और रूट 2 रूट 3 हमेशा कब जब दोनों पॉजिटिव हो या कम से कम एक पॉजिटिव हो अगर दोनों नेगेटिव होते हैं तब नहीं है पॉजिटिव तब नेगेटिव होता है तब माइनस साइन होता है अच्छा ये हम कॉम्प्लेक्स रूट में पढ़ चुके हैं अब ये क्या बनेगा बड़े अच्छे से देखो बेटा ये बनेगा 2 पावर n माइनस 8 बाय 4 इनटू 3 पावर n माइनस 8 बाय 4 इज इक्वल टू 2 पावर 1 बाय 2 लिखूं एंड 3 पावर 1 बाय 3 पर नंबर 2 अब कंपेयर करो 2 का कोएफिशिएंट 2 का पावर और 2 का कंपेयर दे दिस इज ऑफ 2 एंड कंपेयर दे दिस इज ऑफ 3 अब क्या बनेगा यहां पे लिखेंगे यहां पे लिखेंगे कितना होगा वो शाबाश कितना होगा कितना होगा वो शाबाश इंडिसेस कंपेयर दे इस ऑफ 2 पावर इस 2 का पावर क्योंकि यहां पे भी 2 है यहां पे भी 2 है तो कंपेयर कर लो इसके पावर सेम होंगे ना तो n माइनस 8 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 1 बाय 2 खाली एक ही कर दो ना चाहे इसका और लोगे कंपेयर या इसका करोगे तो मुझे एक पिच ये बनेगी लास्ट अब ये क्या होगी तो बस ये 4 जाएगा यहां n माइनस 8 इज इक्वल टू 4 बाय 2 तो n माइनस 8 इक्वल टू 2 n इक्वल टू 8 होएगा और
इसके बाद जो क्वेश्चन है ट्राइनोमियल का क्वेश्चन है सर, आप ट्राइनोमियल कैसे सॉल्व करेंगे? हमने तो बाइनोमियल सॉल्व किया है, ट्राइनोमियल कैसे सॉल्व करेंगे? कुछ नहीं करना है, बस आप देखो आपको देखना है। इस पे एंड्रस क्वेश्चन आते हैं, इस ट्राइनोमियल पे एक्चुअली मल्टीनोमियल पे आते हैं, जब वो ट्राइनोमियल आएगी तो फिर इसमें दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर इसमें एक क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं खाली, आप बड़े अच्छे से देखना मेरा। एक नंबर 178 क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन बताइए क्या है शाबाश। एक्सपेंड यूजिंग बाइनोमियल फॉर्म, एक्सपेंड करना है 1 प्लस एक्स बाय 2 माइनस 2 बाय एक्स होल पावर 4 एंड एक्स नॉट इक्वल टू 0। अच्छा यहां पे हम करना है एक्सपेंड बाइनोमियल फॉर्म से प्रूव करना है। अच्छा सर आप बोलोगे सर हमने तो बाइनोमियल किया है, हमें पता है बाइनोमियल एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन होती है व्हिच कंटेनिंग टू टर्म्स कैरेक्टर बाय प्लस और माइनस, बट यहां पे तो तीन टर्म्स है 1 2 3 कैरेक्टर बाय 4 प्लस माइनस। अब मैंने आपको मैं आपको बोल रहा था उसमें क्या करोगे, मैं इसको ऐसे लिखूं 1 प्लस एक्स बाय 2 माइनस 2 बाय एक्स होल पावर। ये मान लो दिस ए, ये मान लो दिस बी, अब बनी ए प्लस बी, बनी ना बेटा बनी। हाँ तो क्या मैं इसको लिखूं ऐसे 1 प्लस बी होल पावर 4 वायर वायर बी इज इक्वल टू वायर बी इज इक्वल टू एक्स बाय 2 माइनस 2 बाय एक्स। लिखो बेटा लिखो, तो ये आप एक्सपेंड कर लो, एक्सपेंड क्या करना है एक्चुअली में 1 प्लस बी पावर 4। फिर जब हम बी लिखेंगे ना इस एक्सपेंशन में उस समय बी का वैल्यू ये रखेंगे जो आपके पास है, बड़े अच्छे से देखो ये बनेगा क्या, ये बनेगा एक्चुअली सॉरी ये बनेगा m सॉरी n के बदले 4 4 c 0 1 पावर 4 प्लस 4 c 1 1 पावर 3 क्योंकि a कम होता जाएगा b पावर 1 प्लस 4 c 2 1 पावर 3 2 एंड b पावर 2 प्लस 4 c 3 1 1 b क्यूब प्लस 4c4 10 b4 ये है ना बेटा। तो ऐसे लिखो ऐसे 1 खाली क्योंकि 4c0 होता है 1 और 1 पावर प्लस 4 4c1 होता है 4 b के बदले क्या है 1 पावर 3 b के बदले क्या है बट x by 2 minus 2 by x plus 4c2 कितना होता है 6 चेक कर लो 1 पावर 2 1 b पावर 2 दैट इज x by 2 minus 2 by x 4 square plus 4 c 3 कितना होता है फिर से 4 क्योंकि ये कोएफिशिएंट और ये कोएफिशिएंट बराबर होता है, ये कोएफिशिएंट और ये कोएफिशिएंट बराबर होता है किस चीज से, इस चीज से LCR और LCR minus sorry L minus ये क्या होगा b के बदले 1 पावर 1 1 b क्यूब b के मतलब क्या है x by 2 minus 2 by x 4 2 plus 4 से होता है इसे 1 और 1 के बदले इसके बदले b के बदले 2 by x minus x by 2 minus 2 by x power 4। अब जो ये है ना इनको भी एक्सपेंड करना है कि धर्म का बाइनोमियल फॉर्म, अब इसको बड़े अच्छे से आप ऊपर लिखेंगे। वन माइनस टू का प्लस ये बनेगा कितना 2 बाय एक्स माइनस क्योंकि 2 आई डी नो एल डी नो सॉरी सॉरी एक उस टाइप का है अभी बनेगा 4 एक्स बाय 2 माइनस 8 4 2 जा 8 8 बाय एक्स ये है ना, फिर प्लस 6 टाइम्स ये फार्मूला है a माइनस b होल स्क्वायर कितना होता है, या बाइनोमियल फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हो बाइनोमियल फॉर्म, मगर ये आपको पता है ना पहले से a माइनस b स्क्वायर तो आपको पता है, तो कैसे लिखेंगे x by 2 होल स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस माइनस आएगा 2 x by 2 माइनस सॉरी 2 by x प्लस 2 by x होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। समझ आ रहा है मैंने क्या किया, समझ आ रहा है ना मैंने ये a माइनस b यहाँ पे एक्सटेंड किया है।
और मल्टीप्लीसिटी से बाहर प्लस, ये प्लस यहाँ पे नहीं, ये नहीं आएगा, ये वाले जो नहीं आएंगे तो ऊपर करेंगे इसको यहाँ पे बड़े अच्छे से, ये तो टर्म्स है ना, इसको और इसको सॉल्व करेंगे। अरे यहाँ पे कैसे फोर्स इंटू एक्स बाई टू माइनस एक्स टू बाई एक्स होल क्यूब प्लस टू बाई एक्स बाई टू माइनस टू बाई एक्स होल पावर फोर, ये यहाँ पे सॉल्व करेंगे ऊपर बनाओ करो अब तक पहले नोट करो। अब खाली मेरे पास क्या बचा है वो देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, वन इज इक्वल टू वन प्लस टू वन टू टू दैट इज टू एक्स, ये होगा कि नहीं, टू एक्स होगा कि नहीं, शाबाश, माइनस एट बाई एक्स प्लस ये बनेगा सिक्स इंटू दिस, ये कितना है एक्स स्क्वायर, ये बनेगा फोर यानी सिक्स बाई फोर एक्स स्क्वायर बढ़ेगा कि नहीं। अरे सिक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ भी और इसके साथ भी है ना, सिंपल सी बात। अब ये स्क्वायर बनेगा एक्स स्क्वायर, इसको भी स्क्वायर है, इसको भी स्क्वायर है, यानी ये बनेगा फोर, इसीलिए सिक्स बाई फोर माइनस सिक्स टू और सिक्स ट्वेल्व दिस टू एंड दिस टू एक्स एंड एक्स फोर माइनस ट्वेल्व, समझ आ रहा है ना। सिक्स ये बनेगा टू स्क्वायर दैट इज फोर एक्स स्क्वायर दैट इज फोर टू द फोर फोर कितना है फोर सिक्स, शाबाश फोर सिक्स कितना आता है हम मल्टीप्लिकेशन, शाबाश फोर सिक्स हाँ ट्वेंटी फोर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ये आया चेक कर लो, ये चेक कर लो, शाबाश शाबाश। अब यहां से देखो यहां तक हुआ है सारा। अब यहां से देखो फोर टाइम्स, मैं यहां पे लिखता हूं फोर टाइम्स ब्रैकेट में, अभी एक्सपेंड कर लो विद हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, क्या होता है थ्री सी जीरो एक्स बाई टू होल पावर थ्री प्लस थ्री सी बाई पर माइनस है हमारे, अच्छा लिखो पहले लिखो थ्री सी वन एक्स बाई टू होल पावर टू और टू बाई एक्स यहाँ पे माइनस है वन प्लस थ्री सी टू एक्स बाई टू, अब इसके बाद वन और यहाँ पे क्या है और सॉरी 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 थ्री वन माइनस वन यस ऑब्वियसली ठीक है माइनस टू बाई एक्स और टू प्लस प्लस थ्री सी थ्री एक्स बाई टू होल जीरो एट माइनस टू पावर एक्स होल क्यू प्लस प्लस ये वाला प्लस ये वाला लास्ट वाला देखो बेटा लास्ट वाला क्या होगा, शाबाश ये लास्ट वाला ये भी हुआ ना, ये हो गया है ये हो गया है ये यहाँ पे प्लस, अब प्लस और लिखिए एक्चुअली मुझे इतना था यहाँ पे प्लस, अब मैं लिखूंगा ये प्लस लिखूंगा यहाँ, ये एक ही टर्म है, अब ये एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ये एक ही टर्म रहेगा भाई भाई मैडम भाई ना मैं फोर से जीरो ओके एक्स बाई टू होल पावर फोर प्लस 4c1 x by 2 whole cube and minus 2 by x1 b के बदले कितना है minus 2 by x plus 4c2 x by 2 whole square and minus 2 by x whole square plus 4c3 x by 2 3 and minus 2 by 2 by x is 1, sorry, this is 1 and this is 3, plus 4c4 x by 2 whole 0 and minus 2 by x whole 1, ये एक ही टर्म में सारे, अब इसको क्या है, इसको लाभ करूँ, हाँ, बिल्कुल वैसे, जगह नहीं है जरा, इसलिए लाभ करना पड़ता है साथ साथ इसको, पास किया करो बेटा वीडियो को और उसको नोट डाउन कर लो, मैं फिर से लिखूंगा यहाँ पे इसको यहाँ पे लिखूंगा नीचे इसी कलर में, तो वन एज इट इज प्लस टू एक्स एज इट इज माइनस ए बाय एक्स एज इट इज प्लस सी एस एक्स स्क्वायर बाय फोर, ये कितना बनेगा एक्चुअली सिक्स
सिक्स बाय फोर कितना बनेगा, ये कितना बनेगा आपके यहाँ पे टू थ्री बाई टू एक्स स्क्वायर बनेगा कि नहीं, थ्री बाई टू एक्स स्क्वायर बनेगा कि नहीं, थ्री बाई टू एक्स स्क्वायर। अच्छा देखिए यार, फिर माइनस ट्वेल्व फिर प्लस ट्वेंटी फोर बाई एक्स स्क्वायर प्लस प्लस अब थ्री सी जीरो होता है थ्री तो खत्म ये बात, थ्री सी जीरो होता है वन वन ये कितना होता है थ्री, ये भी कितना होता है ये भी थ्री लिखूं, अरे इन क्वेश्चन की वजह से और ये भी कितना होता है ये वन होता है, इसमें भी करेंगे ये वन होता है ये फोर होगा ये कितना होता है सिक्स होता है ये कितना होता है फिर से फोर होता है और ये कितना होता है वन होता है, अरे आप तो जानते हो ये 4 into this, that means 4 x cube divided by शबाश 8 आएगा कि नहीं, 2 power 3 है ना 8, 4 1 4 2 okay, फिर minus आएगा, क्यों minus आएगा, क्योंकि minus quantity का power क्या है 1, that means 3 पे minus आएगा okay और minus आएगा साथ साथ और 4 into 3 12 12 into 2 ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा होगा कि नहीं, 4 into 12 is 12 sorry 4 into 3 is 12 क्योंकि 4 इसके साथ भी इसके साथ भी इसके साथ भी और इसके साथ मल्टीप्लाई है ना बाहर, अच्छा 12 x स्क्वायर नीचे x ये और ये कैंसिल दैट मींस 12 x होगा कि नहीं, 2 भी बचाना नहीं चाहिए स्क्वायर 2 को भी है, हां 2 भी है वेरी गुड, ये 2 यहां पे भी 2 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर होने से 4 बन जाएगा लास्ट में, ये एक्चुअली यहां पे बनेगा x स्क्वायर / 4 this to add very good so nice of you, अच्छा फिर 4 into 3 फिर से 12 बनेगा 12 और यहां पे क्या होगा यहां पे this add this cancel और 2 बचेगा minus 2 but minus 2 का power है square that means plus ही बनेगा यहां पे ये plus ही बनेगा and this x add 1 x goes that means खाली x बनेगा 12 शाबाश 4 3 12 minus 2 okay और यहाँ पे है डिवाइड बाय एक्स और माइनस टू भी बचेगा टू बचेगा खाली चेक कर लो सही है फोर आराम से चेक कर लो फोर थ्री ट्वेल्व ये बनेगा एक्स पावर वन एंड एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट ऊपर एक ये फोर बनेगा माइनस वन बनेगा प्लस फोर ठीक है टू एक टू तो लिखा ना ट्वेल्व इंटू टू ठीक है अब इसके बाद प्लस ये वाला फोर इंटू समथिंग ये बनेगा 4 यहां पे क्या बनेगा माइनस बनेगा क्योंकि नेगेटिव क्वांटिटी का पावर 3 है दैट मींस वो आएगा 8 8 * ये वाला 4 बाहर वाला 4 4 और ये बनेगा 0 और डिवाइड बाय x क्यूब सही है अब प्लस यहां से प्लस अगर आप देखोगे 24 बनेगा 12 24 ये बनेगा 6 6 यहां पे ये बनेगा 24 लिखूं मैं डायरेक्ट हां शाबाश 24 ये कितना 32 32 लिखूं पहले लिख रहा हूं आपका वो जल्दी जल्दी होता है फिर प्लस ये कितना बनेगा x पावर 4 डिवाइड बाय कितना 2 पावर 4 कितना होता है 2 2 2 2 16 प्लस नहीं माइनस आएगा क्यों प्लस बेस नेगेटिव क्वांटिटी है माइनस अब देखो 4 ये बनेगा 4 * x क्यूब डिवाइड बाय 8 क्यों 8 क्यों 2 पावर 3 है 8 इनटू 2 बाय x दिस x एंड दिस बच पे एक जाएगा ना दो बचेंगे एंड 8 टू दिस एंड दिस यस चेक कर लो भाई यस यस अब प्लस बनेगा क्योंकि नेगेटिव क्वांटिटी का स्क्वायर है ये स्क्वायर इसका भी है इसका भी है ये स्क्वायर इसका भी है इसका भी है अगर आप देखोगे ये प्लस 6 बनेगा बनेगा कि नहीं x स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इनटू into into 4 by x square this 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 6 होगा कि नहीं प्लस ये क्या है ये बनेगा 4 into x by 2 क्योंकि माइनस बनेगा माइनस आएगा माइनस होगा बट अच्छे से मल्टीप्लिकेशन देखना पड़ेगा ये बनेगा कितना अब 8 डिवाइड बाय x क्यूब देखो अब दिस इज 2 1 2 2 है ना ये 2 into 8 बचा दिस 2 बचे खत्म एक खत्म यहां से इसके इसके बाद इसमें लास्ट में चलते अब यहां पे क्या होगा ये प्लस बन जाएगा 2 पावर 16 बाय x ये है ना अब इस लास्ट टर्म को इसमें राउंड करूंगा मैं
सारी चीज को रखो बिफोर। अब बड़े अच्छे से देखो कहां पे कुछ गड़बड़ ज्यादा हुई है। अब लास्ट में आंसर निकालेंगे, ये वाला खाली लिखेंगे, ये वाला रब करेंगे। बड़े अच्छे से देखो, बड़े अच्छे से अगर कहीं पे इसमें गड़बड़ भी होगी तो देख लेना सब बेटा, करना कुछ नहीं है। मल्टीपल क्वेश्चन क्या क्या बोलना है आपको। अब इसके बदले u is equal to 1 plus 2x as it is minus 8 by x plus 3 by 2 x square minus 12 plus 24 by x square plus 2 by 2 x cube by 2 minus 6x and 3 कितना के 28 का सर 28 है यहाँ पे 28 होना चाहिए चाहे बड़ा शबाश। 1 plus 2 x minus 8 by x 3 by 2 x square minus 12 plus 24 by x square plus x cube by 3 minus 6 x plus 24 by चाहिए 6 x plus 24 by x 24 by 28 नहीं है 24 है में गलती है 24 by x square x हाँ ठीक है। फिर क्या है minus 32 by x cube minus 32 by x cube। अब यहाँ पे लिखे बाकी यहाँ पे लिखे plus कर फिर शबाश x 4 by फिर क्या होगा x power 4 by 16 x power 4 by 16 बड़े-बड़े कहाँ से होगी भाई साहब। अभी ये सॉल्व करना है इसको प्लस ये कैंसिल 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 बचा खाली है ना सही है सिक्स है ना गड़बड़ नहीं है बस ध्यान रखना है लेंथी है इसका वो प्रोसीजर बट करना है। अब मैं इसको ऐसे बड़े अच्छे से दो स्टेप लास्ट के दो स्टेप अब मैं काम करूंगा। मैं पहले ये x4 लिखूंगा फिर x3 वाला फिर x2 वाला ऐसे करते करते हैं तो लिखूंगा मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूंगा मैं बेटा 16 बाय x4 लास्ट दो दैट मींस ये वाला लिखेंगे पहले ये वाला 16 by x power 4 फिर क्यूब वाले देखो डिनोमिनेटर में क्यूब कहां है एक तो यहां पे है और कहीं पे है और कहीं पे है नहीं नहीं सर यही है माइनस 32 by x क्यूब यही आएगा चेक कर लो हां सर यही फिर x square वाले एक तो यहां पे x square वाले हैं और कहां पे x square वाले यहां पे अब प्लस 24 में से माइनस 16 हटाने 8 by x square प्लस कितना आएंगे 8 by x square आएंगे कि नहीं अरे 24 में से किसी हटा लो ना पेड़ बनाएगा जी सर अच्छा प्लस अब इसके बाद ये प्लस माइनस ठीक है ना अब उसके बाद नहीं एक्स वाले यहाँ पे एक्स वाले जब होंगे डिनोमिनेटर अब देखो एक्स वाले कहाँ पे है एक तो एक्स वाले है यहाँ पे 24 और कहीं पे 8 24 में से 8 हटा लो प्लस 16 आया 16 प्लस 16 है ना सही है फिर इसके बाद देखो फिर कॉन्स्टेंट लाएंगे क्यों कॉन्स्टेंट लाएंगे क्योंकि x4 x3 x2 फिर नीचे होना चाहिए ना x power 0 तो कौन सा बन जाएगा अब देखो कौन सा टू 1 12 6 अच्छा 12 में से 6 हटा लो माइनस 6 आएगा माइनस 6 में से 8 हटा लो तो माइनस 5 आएगा है कि नहीं बेटा अब देखो अब जिन जिनको देखेंगे आप जहां पे ऊपर पावर है प्लस x4 by 16 है इसने ऐसे भी लिखा होगा x डिवाइड बाय समथिंग क्योंकि मैं जाऊंगा x4 फिर x3 x2 ये अपना तरीका है करने का आप कैसे भी लिखो और भी x4 4 फिर अब x3 यहां पे भी है ऊपर और कहां पे x3 कहीं पे है नहीं है दैट इज प्लस x3 2 है बेटा कहीं पे
सही है, x क्यूब 2 है, अच्छा है ना, बिल्कुल सही है। फिर x वाले है, x स्क्वायर वाले, स्क्वायर कहां पे है, एक तो यहां पे स्क्वायर है और कहां पे स्क्वायर बेटा, एक तो यहां पे स्क्वायर है और कहीं पे है स्क्वायर, तो क्या करेंगे, 3 बाई 2 प्लस सॉरी माइनस 1, x का कॉमन है ना, तो बनेगा क्या 3 माइनस 2 डिवाइड 2 मींस x स्क्वायर 2 है जी सर, x बाय 2 है ना प्लस x बाय 2 प्लस x स्क्वायर बाय 2, सही है बेटा, हां सर सही है। अच्छा फिर क्यूब, क्यूब वाला देखो, फिर इसके बाद x वाले, x वाले कहां है, 6x है और कहीं पे कुछ है 2x है और कुछ, 6x मैं से 2x हटा दो -4x -4x आएगा। अब इसके बाद x वाले के बाद क्या आएगा, और कुछ आएगा, बस इतना ही आएगा, चाहे आप इसको ऐसे लिखिए ये भी सही है, चाहे आप इसको ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए 16x4 -32x3 +8x2 +16x -5x sorry 5 -4x आएगा माइनस, अब ये लिखो पहले 4x +x2 / 2 +x3 / 2 2 2 दोनों को है, हां सही है +x4 / 16 इस वर्ड का आंसर, किसका आंसर था ये, किस एक्सटेंशन का, किस एक्सपेंशन का था ये, लास्ट पोर्शन क्या था, 1 + x / 2 -2 / x^4 इसका ये एक्सटेंशन लास्ट में। अब अगर आप देखोगे ना, अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 10 उसमें भी यही करूंगा, बस यही कर दूंगा मैं, करने के बाद क्यों करोगे, बिफोर उससे पहले इसको नोट डाउन करो। अब देखो क्वेश्चन नंबर लास्ट में यही करूंगा, क्वेश्चन नंबर 10 में भी यही करूंगा, वो भी ट्राइनोमियल है वहां पे, आपको कुछ नहीं करना है, बस जैसे मैंने इसलिए किया है वैसे आपको वहां पे भी करना है, फिर लास्ट में मल्टीप्लीकेशन करनी है आपस में, लाइक टर्म्स इकट्ठे करने हैं। देखो वहां पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, 3x² -2ax शाबाश +2a² होल क्यूब। अब यहां पे इट्स अप टू यू, आप इसको कर सकते हैं ऐसे, क्योंकि ये ट्राइनोमियल है, ट्राइनोमियल हमें नहीं आती है, हमें बाइनोमियल आती है, तो मैं इसको बाइनोमियल बनाऊं, 3x² -2ax इसको ऐसे करके +2a² सर, हाँ बेटा 3a² है, 3a² तो क्या मैं इसको लिखूं ऐसे, दिस इज ए एंड दिस इज बी, अब बन गया ये a प्लस बी होल पावर 3, इसको एक्सपेंड कर लो, फिर a को रिप्लेस करो इससे, b को रिप्लेस करो इससे, जब उसके इट्स सब आएगा पावर, उसको फिर से देखोगे तो लास्ट में करते करते आपका आंसर बन जाएगा, ये आप ट्राई करो, नहीं आएगा तो मुझे कमेंट में बोल देना, आपको एज होमवर्क होमवर्क मानो इसको, इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे से करो बेटा, बड़े मतलब मन लगा के करो इस क्वेश्चन को, तो आई थिंक ये आपका कंप्लीट हो गया है फाइनल मैथ थ्योरम। अब इसके एक एक लेक्चर हम ऐसा बनाएंगे, वीडियो लेक्चर जिसमें एक हम देखेंगे सारा कुछ, हमने जो पढ़ा है समरी उसकी करेंगे, समरी में सारा जो भी आता है मतलब जो हमने पढ़ा है आज तक, कॉन्सेप्ट जितने भी पढ़े हैं, और फिर उसके बाद मतलब हाफ लेक्चर में होगा हमने क्या पढ़ा है पहले से ही, क्या होता है क्या नहीं होता है, कहां से चीजें आ रही हैं, जनरल टर्म, मिडल टर्म, इंडिपेंडेंट टर्म, बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होती है, फिर हम करेंगे उसमें नेक्स्ट जो उसी लेक्चर में जो हाफ टाइम बचेगा उसमें हम करेंगे कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन जो हम प्रीवियस ईयर्स में आए हैं, प्रीवियस पेपर्स में आए हैं, उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि बाइनोमियल थ्योरम से कैसे क्वेश्चन हम कर पाएंगे, IIT के हैं, AIEEE के पहले आता था, AIEEE होता था और आ जाता है JEE मेंस एंड एडवांस, तो उसको देखेंगे इस पे कौन कौन क्वेश्चन आते हैं, तब तक अपना ख्याल रखना, इसको बार बार देखो, थैंक यू वेरी मच।